राजद नेता तुलसी राय के अपहरण मामले में साहिबगंज के विधायक राजू सिंह की मुश्किलें लगातार बढ़ती नजर आ रही है। वहीं पुलिस लगातार मुजफ्फरपुर से लेकर पटना तक और कई राज्यों में लगातार ताबड़तोड़ छापेमारी कर रही है। वहीं अब कोर्ट ने भी गिरफ्तारी का वारंट जारी कर दिया है। SSP लगातार पूरे मामले को देख रहे हैं और वहीं इस पूरे मामले पर मुजफ्फरपुर SSP राकेश कुमार का बड़ा बयान सामने आया है। क्या कुछ बता रहे हैं, पहले हम आपको वो सुनाते हैं, वो सुनिए। सिंह को लेकर क्या अपडेट है सर? उसके बारे में हम लोगों को वारंट अभी प्राप्त हुआ है माननीय विधायक जी के अगेंस्ट में, और हम लोगों की छापेमारी लगातार चल रही है और जैसा भी आगे इसमें होगा आप लोगों का अवगत करा दिया है। गिरफ्तारी वारंट जारी हो चुका है? हाँ, वो जारी। क्या कुर्की वारंट जारी करने के लिए भी कॉल किया जाएगा? वो इसका अगला स्टेज है, जब वैसी स्थिति आएगी तो आप लोगों का अवगत कराएंगे। अभी वारंट प्राप्त हुआ। तो आपने सुना कि SSP राकेश कुमार ने पूरे मामले को लेकर क्या कुछ बताया है। पूरी तरीके से छापेमारी की जा रही है, किसी भी समय राजू सिंह को गिरफ्तार किया जा सकता है, कहीं से भी उठाया जा सकता है। फरार चल रहे हैं पूरे मामले को लेकर राजू सिंह, जो कि साहेबगंज से BJP के विधायक हैं। वहीं आपको बता दें 25 मई की घटना है, जब राजद नेता तुलसी राय और BJP के विधायक राजू सिंह के बीच में विवाद होता है। उसके बाद से ये जंग छिड़ जाता है। उसी पूरे मामले को लेकर जो राजू सिंह है फरार चल रहे हैं, जिसको लेकर मुजफ्फरपुर की पुलिस लगातार छापेमारी कर रही है। मुजफ्फरपुर से हेडलाइंस बिहार के लिए ऋतुराज।